केंद्र की 10 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के साथ टीम ने लक्सर, रुड़की सहित अन्य क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। टीम डौढ़ी चिट्ठी कोठी स्थित लखबीर सिंह के पॉली हाउस पहुंची। उन्होंने पूरे पॉली हाउस का जायजा कर फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी ली और इसके बाद टीम दीनारपुर एथल पहुंची, जहां पर किसानों ने टीम को जलभराव से धान गन्ने की फसलों के नुकसान के बारे में बताया। बता दें कि केंद्रीय टीम 3 दिनों तक भ्रमण करने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। और खेतों में क्या नुकसान हुआ है और किसानों को किस तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, इसके संबंध में एक पूरी समीक्षा एक तो फील्ड में जाके उन्होंने देखा है। बाद में फिर जहाँ पर तटबंध को मरम्मत करने वाली बात हो रही है, सिल्ट हटाने वाली बात हो रही है, उसका तो खैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक असेसमेंट करके एक गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट जरूर देगा कि कम से कम वो तटबंध जो वाकई में टूटे हैं उनको कितनी जल्दी रिपेयर करने की आवश्यकता है और वो तटबंध जो टेम्परेरी है उनको परमानेंट करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। और साथ ही साथ रिवर के रास्ते में जितना भी सिल्ट जमा है जिसकी वजह से रिवर बेड उसका बेड ऊपर आ गया है, तो थोड़ी सी बारिश में ही खेतों में पानी जा रहा है, उसमें से सिल्ट हटाने के लिए हमें एक गवर्नमेंट को एक जरूर हम रिक्वेस्ट लेटर हमें भेजेंगे, तो उसी आधार पे हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे।